अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं आंवला इमली और सौंठ की चटनी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, साथ में अपने कमेंट्स भी दें। कुक टेन को जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें विटामिन सी के साथ साथ आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आंवला कोलेस्ट्रॉल जमने से भी रोकता है। आइए बनाते हैं आंवले की चटनी। इसके लिए हमने 6 से 7 आंवले लिए हैं और इसको अच्छे से वॉश करके पानी में उबाल लिया है। इसकी गुठली हटाकर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। 1 कप हमने उबले हुए आंवले का पानी लिया है, इमली का पेस्ट, 2 छोटे चम्मच सौंठ पाउडर, 1 छोटा चम्मच सौंफ का पाउडर, 4 से 5 चम्मच चीनी लेंगे, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ी किशमिश, आधा छोटा चम्मच दालचीनी का पाउडर, 1 चुटकी हींग, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के मुताबिक नमक लेंगे। एक पैन में हम इमली का पेस्ट डालेंगे, सॉरी आंवले का पेस्ट डालेंगे हम, साथ में इमली का पेस्ट, चीनी और आंवले का पानी डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे गाढ़ा होने तक और चीनी पिघलने तक हम इसको पकाएंगे। गाढ़ा होने तक हमने इसको पका दिया है, आंच को भी हमने धीमा कर दिया है। इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के मुताबिक नमक, सौंफ का पाउडर, जीरा पाउडर, सौंठ पाउडर, दालचीनी पाउडर और 1 चुटकी हम डालेंगे हींग। अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीजें अच्छे से हमने मिक्स कर दी। इसमें डाल देंगे किशमिश। एक उबाल लेने के बाद में हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। लीजिए, मज़ेदार आंवले की चटनी बनके तैयार है। आप इसको ठंडा करके जार में भर के 10 से 15 दिन फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं। इसको आप मठरी, पूरी या पराठे के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। आंवले की चटनी की रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, साथ में अपने कमेंट्स भी दें। कुक टाइम को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।